नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं लाडली योजना की। लाडली योजना 2008 में शीला दीक्षित सरकार द्वारा शुरू की गई थी और उसी से प्रेरणा लेकर मोदी सरकार ने भी एक सुकन्या योजना की शुरुआत की। आइए आज हम जानते हैं कि लाडली योजना की शुरुआत क्यों की गई, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी। दरअसल 1991 और 2001 के जो जनगणना हुए थे उसमें लड़कियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही थी। इसे रोकने के उद्देश्य से माता पिता को लालच दिया गया कि लाडली योजना के तहत अलग अलग स्कीम में अलग अलग समय पर आपको 11,000, 10,000, 5,000 के द्वारा आपको सपोर्ट किया जाए ताकि आप बच्चियों का पालन पोषण कर सकें। इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं लाल बिहारी लाल जी। ये एक्सपर्ट हैं, सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने लाडली योजना पर खासकर लड़कियों को लेकर काफी काम किया हुआ है। इन्हें काफी अनुभव है, इन्होंने कईयों को इस योजना का रजिस्ट्रेशन करवाया है। जो लोग रुक गए हैं उन्हें भी ये सलाह देते हैं कि वे लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। तो आज हम जानते हैं लाल बिहारी लाल जी से। लाल बिहारी लाल जी, आप बताएं कि जो ये लाडली योजना है कितना ये सफल रहा है पिछले 7-8 सालों में और कितना इसका फायदा लोगों ने उठा पाया है, और इसका अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हो तो वो कैसे करा सकते हैं। दरअसल 1991 की जनगणना के हिसाब से लड़कियों की संख्या प्रति हजार पुरुषों के 945 थी, जो 2001 की जनगणना के हिसाब से लड़कियों की संख्या घट के 1000 पे 933 रह गई। ये चिंता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से लाडली योजना की शुरुआत की। इस योजना से लड़कियां काफ़ी फायदा उठाई और अभिभावक भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए जागरूक हुए हैं। इस योजना के तहत नियम ये है कि इस योजना के कौन कौन से लोग फायदा ले सकते हैं। पहली, जो जिस राज्य में लोगों का जन्म हुआ है उस राज्य में बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर कन्या किसी सरकारी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में पैदा हुई है तो सरकार पहले दावा करने के बाद सरकार सर्वप्रथम 11,000 रुपये का अनुदान राशि देगी। नर्सिंग होम में जन्म नहीं हुआ है, किसी कारणवश घर पर जन्म हुआ है तो ऐसे लड़कियों के लिए 10,000 रुपया सरकार देगी। उस रजिस्ट्रेशन के बाद कई स्टेप है। पहली बात, क्लास फर्स्ट में जब लड़कियों का एडमिशन होगा तो उसको 5,000 रुपया दी जाएगी। फिर क्लास सिक्स में जब रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर 5,000 रुपया दी जाएगी। बहुत सी लड़कियां ऐसी रहती है जो क्लास फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई तो क्लास सिक्स में रजिस्ट्रेशन फिर से फ्रेश हो सकता है और जो पहली में रजिस्ट्रेशन कराई है उसका रिन्यूअल हो सकता है। और यही प्रक्रिया क्लास नाइन्थ में, 10th में, 11th में और 12th में चलती है। 12th के बाद यह राशि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के LIC के विभाग से टाई अप होने के कारण जो ब्याज सहित जितने जमा है उसको ब्याज सहित वो कन्या को प्रदान की जाती है। अच्छा लाल बिहारी जी, आपने बहुत अच्छा बताया, सभी इसका फायदा उठाएंगे। इसमें 2-3 सवाल है कि इसका रजिस्ट्रेशन लोग कहाँ से करा सकते हैं और कुछ जो बंदिशें हैं कि क्या सिर्फ 2 लड़कियों का ही, अगर एक फैमिली में सिर्फ 2 लड़कियां हुई हैं तभी इसका मिलेगा या अगर 4-5 लड़कियां हैं तब भी हो सकता है। और इसके अलावा भी मैं अभी अपने कैमरामैन से कहूंगा कि स्क्रीनशॉट भी दिखा दे दिल्ली गवर्नमेंट का एक जो वेबसाइट है delhi.gov.in, इस पर पूरा डिटेल दिया गया है, इसको भी हम अभी दिखाएंगे आप सभी को। तो इसमें क्योंकि लिखा हुआ है कि द बेनिफिट ऑफ द स्कीम इज लिमिटेड टू 2 गर्ल्स पर फैमिली, तो क्या ये जिस फैमिली में 2 बच्चियां हैं उसी को मिलेगा, अगर ज़्यादा होगी तो नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप कितनी भी बच्चियां हो वो मैंने नहीं रखता है, लेकिन अधिकतम एक परिवार में मात्र 2 बच्चियों को ही सुविधा मिल सकती है। अच्छा, और इसका रजिस्ट्रेशन का क्या क्या प्रक्रिया? इसके रजिस्ट्रेशन के लिए 3 प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया यह है कि आप जो है अपने निकटतम भारतीय स्टेट बैंक के निकटतम ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया यह है कि जब बच्ची का एडमिशन किसी स्कूल में होता है वो स्कूल या तो सरकारी हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन होता है। वहाँ अमूमन अप्रैल में एडमिशन शुरू होता है और जुलाई तक लेटेस्ट एडमिशन चलता है।
जुलाई के बाद वो स्कूल सामान्यता 31 अगस्त के आसपास कटअप बना लेते हैं। अगर विशेष परिस्थिति में कोई बच्ची रह रही तो सरकार का एक प्रावधान है, जिला के मुख्यालय वो उस सत्र के 31 अक्टूबर तक को जमा अपना आवेदन स्कूल से सर्टिफाई करा के करा सकते हैं। और इसके लिए कुछ ये है शर्तें हैं कि वो जो है कि आपका 3 साल का वर्तमान जिस समय आप आवेदन करेंगे उस समय वर्तमान उस राज्य में 3 साल का निवासी होना अनिवार्य है, और इसके साथ साथ उस राज्य का बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। इसके अलावा लगेगा आपको बच्ची के साथ माता पिता के साथ बच्ची का फोटो हो और एक फोटो बच्ची का इंडिविजुअल मिलेगा। इसके अलावा आधार कार्ड माता का पिता का और बच्ची का भी आधार कार्ड लगेगा और इसके साथ वो स्कूल सर्टिफाई कर देगा तो आपका काम सही रूप से संपन्न हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने किसी कारणवश अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है तो वो लोग अक्टूबर तक इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपने बताया इसके दिल्ली सरकार के जो मंत्रालय का जो ऑफिस है महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय कैनिंग मार्ग पे जो ऑफिस है वहाँ पे जाके डायरेक्ट वो स्कूल से सबको सर्टिफाई करा के और फिर उसे वहाँ पे जमा करा सकते हैं, है ना। आपने देखा कि लाडली योजना के तहत आप किस प्रकार से इसका फायदा उठा सकते हैं, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कौन कौन लोग हैं जो इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हर रोज नए नए इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उसका फायदा उठा सकें। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।